जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों, वाहन फास्ट टैग योजना 2024। जी हां साथियों, वाहनों पर फास्ट टैग लगाना बहुत अनिवार्य कर दिया है। NHAI के सख्त आदेश आ चुके हैं। वाहनों पर फास्ट टैग अगर आप नहीं लगाओगे तो साथियों, टूल टैक्स के ऊपर आपको दुगना टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपसे डबल वसूली की जाएगी। ये आदेश आ चुके हैं, NHAI के सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। ताज़ा खबर आई है, उस खबर को हम आपके साथ अच्छे से समझाने वाले हैं और आपको स्क्रीन पर दिखाने भी वाले हैं। तो ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी, फटाफट से जो खबर है उस खबर को हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। देखो जी, क्या खबर आई है उसको अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। वाहन फास्ट टैग योजना 2024, सभी वाहनों पर लगेगा फास्ट टैग, वरना टोल प्लाजा पर लगेगा दुगना टैक्स, यानी कि आपसे दुगना टैक्स लिया जाएगा अगर आपके गाड़ी में, वाहन में मतलब फास्ट टैग नहीं होगा तो। ठीक है साहब, NHAI के सख्त आदेश। NHAI क्या होता है साथियों? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है साथियों। इसके सख्त आदेश जारी हो चुके हैं। ताज़ा खबर आई है, उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिखाने वाले हैं। ठीक है जी, फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। आ जाओ अब इस खबर को देख लेते हैं साथियों। क्या है फास्ट टैग, क्यों ज़रूरी है फास्ट टैग, इसको भी समझ लीजिए। भास्कर के एक्सप्लेनर, फास्ट टैग क्यों ज़रूरी है। देखो साथियों, ये जो फास्ट टैग है ये क्यों ज़रूरी है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं। देखो, टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो उसके लिए फोर व्हीलर पर फास्ट टैग ज़रूरी होगा साथियों, यानी कि फोर व्हीलर के लिए है, ये टू व्हीलर के लिए नहीं है साथियों। आपने देखा होगा अपने जो गाड़ियाँ होती हैं फोर व्हीलर की, जैसे बोलेरो हो, स्कॉर्पियो हो, स्विफ्ट डिजायर हो, पिकअप हो, बस हो, कुछ भी हो, फोर व्हीलर है, तो उसमें साथियों क्या होता है, शीशे के ऊपर एक फास्ट टैग लगा रहता है, कोने में एक पर्ची वगैरह सी चिपकी रहती है, फास्ट टैग होता है। ठीक है, वो लगा के ही रखते हैं, कुछ वैसे भी बनवा के रखते हैं, अपने दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है साथियों, फास्ट टैग से आपका जो है वो उसमें एंट्री हो जाती है, ऑटोमेटिक कट जाता है आपका जो टूल वगैरह होता है वो सीधा का सीधा। अब कुछ साथी ऐसे भी करते हैं कि नहीं लगवाएंगे, क्योंकि हमारी तो जानकारी है सब, हम तो वैसे ही टूल नहीं देते हैं, अगर हम फास्ट टैग लगवा लेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक कट, पैसे कट जाएंगे फिर हमारे, तो इसको लेकर के भी बहुत सारे नहीं लगवाते हैं। लेकिन साथियों, दिल्ली जैसी बड़ी राजधानी क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, जयपुर जैसे बड़े राजधानी क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, अब लोकल जो एरिया के लोग होते हैं वो बहुत कम लगवाते हैं, इसीलिए नहीं लगवाते, कह रहे बच जाए वो अपना टूल, भैया जानकारी अपना फलाना निकड़ा गली वेर निकल जाएगा कि बम फाट गो, ये समझ करके ऐसे ऐसे नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन यह बहुत पूरी कर दिया गया है साथियों। ये जो खबरें होती हैं, ये खबर आपको कहां पर मिलेगी, ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। जो भी ये तुम्हारी खबरें होती हैं ये सीधी की सीधी टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती हैं, इसलिए सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है भाई। तो टेलीग्राम ने सारा का सारा ज्वाइन कर लो, जो भी योजना से संबंधित खबर आओगी सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाओगी। फास्ट टैग नहीं लगाने पर टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा साथियों, ये आपका यहाँ पर सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर आप फास्ट टैग नहीं लगाते हो गाड़ी पे तो आपको दुगना टोल टैक्स देना पड़ेगा। सरकार टोल टैक्स का कलेक्शन 100% कैशलेस करने की तैयारी कर रही है। अगली खबर को भी देख लेते हैं साथियों, दैनिक भास्कर की खबर, इसको भी देख लीजिएगा। कोटपुतली भैरोड भास्कर की 28 जुलाई 2024 को जारी हुई है, छपी है साथियों। देखो भाई, भास्कर में कई वाहन चालक नहीं लगाते हैं फास्ट टैग, अब NHAI के निर्देश। NHAI के निर्देश, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देश, वाहनों की फ्रंट विंडशील्ड पर फास्ट टैग नहीं लगाने वालों से टोल प्लाजा पर वसूला जाएगा दुगना टैक्स, यानी कि साथियों फ्रंट में ही लगाना होता है, वो शीशे के ऊपर ही लगाया जाता है, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, वो फास्ट टैग होता है स्कैनर की तरह होता है, उससे क्या है ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाता है। ठीक है साहब,
अच्छा आप देखो कोटपुतली की है, राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग कर रहे ऐसे वाहन मालिक जो जानबूझकर फास्टैग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर सख्ती होगी, उनसे अब दुगुना टैक्स वसूला जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से देश के समस्त टोल प्लाजा पर नए निर्देश दिए गए हैं साथियों, ऑल इंडिया में ये लागू है साथियों। कोई ये ना सोचे कि साहब हमारे है कि नहीं है, भैया पूरे भारत देश में ये लागू है, ठीक है ना। अच्छा आप हाईवे पे चलते हो तो ये लागू है, ठीक है साहब। नियमों के बाद अब ऐसे वाहन चालक जो सामने की विंडशील्ड पर अंदर से बिना फास्टैग चिपकाए टोल लेने में प्रवेश करते हैं उनसे दुगुना टैक्स लिया जाए। इस शक्ति का उद्देश्य समय की बचत है, क्योंकि जानबूझ कर विंड स्क्रीन पर फास्टैग न लगाने से टोल प्लाजा पर अनावश्यक विलम्ब होता है। यानी कि 100 बातें की एक ही बात है भाई, फास्टैग नहीं लगाओगे तो आपसे दुगुना टोल टैक्स लिया जाएगा। यह है ताजा खबर जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हो। देश भर में 8 करोड़ वाहन चालक उपयोग कर रहे हैं फास्टैग, यानी कि 8 करोड़ वाहन चालक हैं जो उपयोग कर रहे हैं भाई फास्टैग का, ठीक है। बाकी जो नहीं कर रहे हैं उनको भैया जुर्म वो डबल जो है टोल टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए फास्टैग भी लगवाना बहुत जरूरी है, ये बनवा लीजिएगा आप, ठीक है साथ। तो ये है साथियों पूरी की पूरी ताजा खबर जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। इससे संबंधित कोई भी डाउट है कि भाई ये कैसे बनता है फास्टैग, कहां बनवाएं, इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा और आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा कि फास्टैग कैसे बनवाएं, कहां बनवाएं, क्या क्या जरूरी दस्तावेज चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक ही जगह बता दूंगा, वीडियो बना कर के आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आई होगी वीडियो, तो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।